तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आपसे का स्वागत है मेरे चैनल बी टेक में। और दोस्तों जो आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो है गेमिंग के बारे में। तो दोस्तों गेमिंग किस तरह से वर्क करती है, आज मैं इसी के बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर गेमिंग की बात की जाए तो गेमिंग काफ़ी टाइप की होती है, जैसे कि बैटल ग्राउंड या फिर किसी भी टाइप की जो ऑनलाइन चलती है या फिर जो ऑफलाइन चलती है। दोस्तों अगर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की सिमिलरिटी की बात की जाए तो कोडिंग सबसे सिमिलर रहती है। दोस्तों कोई भी गेम हो कोडिंग के ऊपर डिपेंडेंट होती है, और दोस्तों कोडिंग काफ़ी अच्छे और काफ़ी स्मूथली की जाए तो आपकी गेम काफ़ी अच्छे से रन हो सकती है। और दोस्तों दूसरी बात ये आती है कि आपकी जो गेमिंग पर मतलब कि ट्रैफिक कितना आएगा, और दोस्तों आपकी गेमिंग पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आएगा तो आपके जो सर्वर है वो हैंडल करने लायक कैपेसिटी होनी चाहिए उसकी, तो आपकी गेमिंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना सकता है। दोस्तों जो मोस्ट ऑफ कंपनीज है उनको जो गेम्स नहीं उनकी उस पर मतलब कि भले ही मतलब कि कई बार ऐसा हो जाता है कि जो गेमिंग कंपनीज है वो सोच रही होगी कि इतना ट्रैफिक इस गेम पर नहीं आएगा। जैसे कि मान लो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ जैसे कि पबजी, लेकिन आज की डेट में जो पबजी है वो ऑल ओवर वर्ल्ड खेली जाती है। और दोस्तों जो सर्वर्स है वो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अगर एवरेज मान सकते हो आप ऐसे, मतलब कि सर्वर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उनका, लेकिन जो ट्रैफिक के हिसाब से वो थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिलती है। इसी कारण आपको थोड़े से लूप होल्स, थोड़े से बग्स, या फिर आपको थोड़े से जो नेटवर्क इश्यूज, या फिर आपकी जो पिंग होती है वो थोड़ी हाई रहती है, या फिर जो आपका इंटरनेट है वो भी इसके लिए इशू हो सकता है अगर पिंग की बात कर रहे हो। लेकिन मोस्ट ऑफ मतलब कि जो आपके स्मार्टफोन में ग्लीचेस वर्क्स करते हैं तो वो सर्वर की गलती होती है, क्योंकि दोस्तों जो सर्वर है वो उतना कैपेबल नहीं होता कि जो आपकी गेम है उसको हैंडल कर सके। तो दोस्तों अगर मतलब कि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक में कुछ भी चीज़ आए, इंटरनेट पर आए, तो जो सर्वर है उसका स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस टाइप की गेम की बात कर रहे हो जिसमें कि आपको जो गेम्स है वो ऑफलाइन देखने को मिले, या फिर लो ग्राफिक गेम देखने को मिले, या फिर आपको इस टाइप की गेम देखने को मिले जिसमें मतलब कि जो यूज़र्स है वो काफ़ी कम है, तो उसमें आपको चांसेस यह बनते हैं कि उसमें आपको किसी भी टाइप की ग्लीचेस या फिर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन शर्त यह है कि सर्वर काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर सर्वर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपकी गेम चलेगी। और दोस्तों दूसरी बात यह भी आ जाती है कि कोडिंग काफ़ी अच्छी हो गेम की। अगर गेमिंग की कोडिंग थोड़ी भी खराब हुई तो गेमिंग का भट्ठा गोल हो सकता है। अगर आप दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग की बात करें हो, जैसे कि बिगेस्ट एग्जाम्पल मेरे सामने इसमें पबजी है। दोस्तों जो पबजी है अगर हम उसकी बात करें तो ट्रैफिक सबसे ज़्यादा है, और जो ग्राफिक है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, स्मार्टफोन की कैपेबिलिटी उसको मैनेज करने लायक होनी चाहिए, सर्वर उतने कैपेबल नहीं है कि इतने बड़े ट्रैफिक को हैंडल कर सके। भले ही मतलब कि आज की डेट में थोड़े बहुत चीज़ें कर रही है, लेकिन फिर भी थोड़े से लूप होल्स रह रहे हैं, जैसे कि बग्स आ रहे हैं और ऐसी मतलब कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही है जिस कारण कि जो यूज़र्स हैं उनके लिए इतना इजीली नहीं रह पा रहा है। और दोस्तों जो नेटवर्क है वो भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आपको देख कर सकता है। अगर नेटवर्क आपका स्ट्रॉन्ग हो तो मतलब कि फिर भी आपको जैसे कि पिंग है वो सर्वर की भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इतनी मतलब कि प्रॉब्लम दे सके। अगर ओवरऑल आप बात करें हो तो ऑफलाइन गेमिंग मतलब कि आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा पिछड़ चुकी है, और ऑनलाइन की ओर टाइम आ चुका है कि ऑनलाइन गेमिंग की मतलब कि पॉपुलरिटी काफ़ी बढ़ चुकी है आज की डेट में। और दोस्तों फ्यूचर में ऐसा ही होगा कि जो ऑफलाइन गेमिंग है उनमें भी कुछ इस टाइप की अपडेट आ सकते हैं कि वो ऑनलाइन हो सके, जैसे कि रियल क्रिकेट 18 जो ऑफलाइन थी, लेकिन जो रियल क्रिकेट 19 है उसमें उन्होंने ऑनलाइन का मतलब कि मल्टीप्लेयर का जो ग्लोबली प्लेयर आएंगे उनका सपोर्ट दे दिया, जिससे कि गेमिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन सके। और दोस्तों जो गेम है वो मतलब कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ सके। दोस्तों ये काफ़ी बड़े अच्छे अच्छे काम हैं जो कि गेमिंग की कम्युनिटी कर रही है और गेमिंग कंपनीज कर रही है। और दोस्तों जो अगर आप ऑनलाइन चीज़ें जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग की ओर जा रहे हो तो आपका जो डिवाइस है उसकी भी इतनी पावर हो कि आपकी गेम को इजीली हैंडल कर सके, वरना मतलब कि प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है आपके डिवाइस के थ्रू। इसी कारण जो पबजी है वो आपके जो
छोटे मोटे स्मार्टफोन्स में नहीं चलती, उसके लिए मतलब कि थोड़े से स्मार्टफोन स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और जो मतलब कि एवरेज स्मार्टफोन है उनमें आपको बग्स या फिर इश्यूज़ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यही सबसे बड़ा रीज़न है आपके स्मार्टफोन में पबजी थोड़ा इशू दे रही है या फिर कोई भी ऑनलाइन गेमिंग इशू दे रही है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो हर दिन लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।